हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ आई एट येलो फूड फॉर 24 आवर। तो इस चैलेंज की रिक्वेस्ट मुझे मेरे प्यारे से एक सब्सक्राइबर ने की थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कलर फूड चैलेंज करो। तो मैंने उनको ही पूछा था कि मैं स्टार्टिंग कौन से कलर से करूँ। तो उन्होंने बोला कि येलो फूड से स्टार्टिंग करो। तो मैं येलो फूड ही चैलेंज कर रही हूँ आज। और आज मैं दिन भर, मतलब पूरा दिन मैं जो भी खाऊंगी वो येलो कलर का खाऊंगी। येलो फूड चैलेंज है तो येलो कलर का ही खाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो आज मैं येलो कलर का ही खाऊंगी। और मैं शुरुआत करती हूँ मेरी ब्लैक कॉफी से। मतलब दिन की शुरुआत मेरी ब्लैक कॉफी से होती है। अभी माही स्कूल चली गई है और अभी बज रहा है 8:30, मतलब 8:15 बजे माही स्कूल चली जाती है। तो उस टाइम तक तो मुझे, जब तक माही स्कूल नहीं जाती है तब तक तो मुझे टाइम नहीं मिलता है मेरे लिए, खुद के लिए। बट जब माही स्कूल चली जाती है तो मैं उसके बाद ब्लैक कॉफी लेती हूँ, आप सभी को पता है। तो मैं ब्लैक कॉफी की जगह आज लेने वाली हूँ दूध। बट आप सोच रहे होंगे दूध तो व्हाइट होता है, बट मैंने कुछ किया है उसके लिए भी, तो आप देख सकते हो। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देती हूँ जिससे आप घर बैठे कमा सकते हो और जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है मीशो ऐप। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप वहाँ पर उस पर आपका नंबर डाल के साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको इस तरह से एक ऐप ओपन हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको घर के रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देख सकते हो सूट, बेडशीट, सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आ गया था तो इसे मैंने ओपन किया, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मुझे येलो कलर पसंद आ गया था, उसमें मैंने क्लिक किया, उस पर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया अपने हस्बैंड के अकाउंट पे। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड के, आप ग्रुप पे ऐसे शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन शेयर हो जाने के अगर उसे ये पसंद आता है तो वो उसमें आपको कलर ऑप्शन मांगे थे, आपको कलर ऑप्शन भी उसे सेंड करना है। और अगर उसे वही कलर पसंद आता है तो आपको उसकी डिटेल जाननी है, मतलब आपको उसका साइज़ और उसका एड्रेस मांगना है उससे। बस आपको साइज़ ऐड करनी है और ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उसके कार्ड का ऑप्शन को क्लिक करना है। और उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया है। और कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको यहाँ पर उसका प्राइस दिखेगा, 506 रुपीज़। 506 रुपीज़ आपको, उसमें आपको मार्जिन भी ऐड करना है। मतलब मैंने यहाँ पर मेरा 200 मार्जिन ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 706 रुपीज़। यहाँ पर मेरा 200 जो मार्जिन है वो नीचे आ गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल डालना है। आप इस पर आपका एड्रेस भी डाल सकते हो, आपके एड्रेस पे भी ये मंगा सकते हो और आपके फ्रेंड के एड्रेस पे भी ये मंगा सकते हो। बस एड्रेस डिटेल डालने के बाद ये बाय करना है आपको, और इस तरह से आपका प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है, और राइट हैंड साइड में आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। अकाउंट में जाना है और उसमें आपके बैंक डिटेल डाल देनी है, अकाउंट नंबर एंड डिटेल, सारा बैंक का डिटेल आपको डाल देना है। इससे जो है आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके बाद नीचे ये माय पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा। माय पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट भी देख सकते हो कि बैंक अकाउंट में मार्जिन आने के लिए 15 दिन इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनकी 7 डेज़ रिटर्न पॉलिसी है। आपका अगर कोई फ्रेंड 7 डेज़ में रिटर्न करता है, कोई प्रोडक्ट उसको नहीं पसंद आता है और वो रिटर्न करता है, तो इसी वजह से आपको 15 दिन लगते हैं आपका मार्जिन आने के लिए। तो आप 7 डेज़ में ये प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट हैं, और इनके प्रोडक्ट सारे क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल चीप नहीं मिलते हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। एक ही जगह पर आपको घर के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए मिल जाएंगे, आपके बच्चों के लिए मिल जाएंगे, किचन के लिए मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और आप घर बैठे इसे कमा सकते हो, सिर्फ आपको इसे शेयर करना है और आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है कैमरा में, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने दूध को येलो बनाया है, तो मैंने इसमें ऐड किया है क्या बोलते हैं, सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मतलब केसर। हाँ,
तो केसर मैंने इसमें ऐड किया है, और आपको पता नहीं यार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लाइट कलर दिख रहा है इसका, बट काफी येलोइश कलर आ गया है, क्योंकि पहले मैंने दो चार मतलब उसके स्टिक्स ही मैंने डाले थे, तो वो इतना कलर अच्छा नहीं आया था, तो बाद में मैंने काफी ज्यादा डाल दिया सैफ्रॉन इसमें, तो काफी अच्छा येलो कलर आ गया है, तो अभी मैं इसे ही पीऊंगी। सो गाइज, मैं ड्रिंक जो है मतलब दूध जो है वो फिनिश कर लेती हूँ अभी, बट मैंने आज थोड़ा सा अपने जो येलो फूड चैलेंज है उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से तड़का देने की कोशिश की है। आप सभी को पता है कि मैं डाइट कर रही हूँ कुछ दिनों से, तो मैंने सोचा कि आज डाइट तोड़ने से अच्छा है मतलब आज थोड़ा सा कुछ बाहर की चीज़ें लाने से, चिप्स वगैरह ये वो, तो इससे अच्छा है कि मैं घर में ही कुछ हेल्दी चीज़ें बनाऊं जो येलो कलर की हो और वही चीज़ें खाऊं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से तड़का दिया है, तो ये चैलेंज होगा हेल्दी येलो फूड चैलेंज, तो मैं आज हेल्दी येलो फूड चैलेंज ही करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आज लेने वाली हूँ ये ड्रिंक मतलब सॉरी दूध, तो वो भी केसर वाला। तो इसमें मैं बादाम भी ऐड कर सकती थी, बादाम मैंने भिगो के रख दिए थे, बट बादाम मैंने ऐड नहीं किए इसमें। तो चलिए फिर इसे फिनिश कर लेती हूँ मैं अभी, और यार काफी टेस्टी लग रहा है, मैं काफी दिनों के बाद ये पी रही हूँ। मतलब रेगुलर केसर का दूध, और वो दूध एक्चुअली इतना ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, बट प्रेगनेंसी के टाइम मैं ज्यादा पीती थी दूध, उस टाइम से मैं अभी ये केसर वाला दूध पी रही हूँ। तो चलो अभी फिनिश कर लेती हूँ पूरा ये। आपके सामने इसीलिए पी रही हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि पिया नहीं इसी वजह से। ये जो केसर है तो चलिए मैं अभी नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद डायरेक्टली आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी बज रहा है 9:15, तो अभी मेरा टाइम हो गया है, एक कोई फ्रूट खाती हूँ मैं इस टाइम में, तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ बनानास, तो क्योंकि बनाना जो है येल्लो होता है इसी वजह से यहाँ पर मैं बनाना खा रही हूँ, तो क्योंकि मैं बनाना एक हाथों से तो छील नहीं पाऊंगी, मैं छील लेती हूँ उसके बाद बात करती हूँ। सो गाइस, इसे फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में मैं कुछ हेल्दी बनाऊंगी, तो वो इसे फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम लोग आएंगे ब्रेकफास्ट पे, तो थोड़ी देर में मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उससे पहले मैं कुछ बना लूंगी, तो चलिए फिर इसे फिनिश करती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उपमा। आई नो आप सभी को उपमे की रेसिपी आती है, तो इसी वजह से मुझे शेयर करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं बना रही हूँ। इसको भून लेना है बस, और उसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, गर्म पानी, और हो जाएगा मेरा, बन जाएगा उपमा। सो गाइज, मेरा उपमा रेडी हो गया है, और आप देख सकते हो मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। और हाँ, मैंने एक येलो टॉप पहना है क्योंकि आज येलो फूड चैलेंज मैं कर रही हूँ, तो इसी वजह से येलो टॉप पहना है, येलो ही नेल पॉलिश अप्लाई की है। और हाँ, ये नेल पॉलिश मैंने 3 4 दिन पहले अप्लाई की थी, अगर आपको ये नेल पॉलिश पसंद आ रही है, और हाँ लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है, अगर पसंद आ रही है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो टॉप है मैंने लिया है शीन से, इसका हॉल वीडियो आपको मेरे माइस्टर एलन टिप्स चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टॉप है, और काफ़ी अच्छे कम प्राइस में मुझे मिल गया था, अंडर 350 में, तो इसी वजह से काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप मैंने वहाँ से लिए हैं, तो वो वीडियो आपको मास्टर एंड टिप्स पे देखने के लिए मिलेगा, हॉल वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, आप चेक कर लेना।
और आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टॉप है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अभी मैं फिनिश कर लेती हूँ, तो यहाँ पर है मेरा ब्रेकफास्ट। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं बाहर और मुझे लगी अभी भूख, क्योंकि मेरा लंच का टाइम हो चुका है और मुझे घर जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, तो हम लोग यहाँ पर ही काफ़ी लेट हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ही कुछ खा लूँ बाहर ही, बट यार समझ में नहीं आ रहा है क्या खाऊँ। अभी येलो में ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा और वो भी हेल्दी जूस। यार जूस कौन पीता है लंच में? जूस नहीं। अभी सोचती हूँ मैं पहले क्या खाना है और फिर बाद में जाती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है और लंच का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मैं घर पे जाऊँगी तब तक तो लंच का टाइम निकल जाएगा। तो चलिए फिर अभी देखते हैं कुछ तो भी खाने के लिए। हम लोग घर पे जल्दी आ गए, इसी वजह से हम लोग ने क्या किया, ढोकला जो है वो पार्सल ही लेके आए हैं। तो सबसे पहले अभी मैं ढोकला खा लेती हूँ। ढोकला मैंने प्लेट में ले लिया है। और हाँ, हेल्दी ऑप्शन में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। यहाँ पर हम लोग गए होटल में तो समोसा, कचौरी एंड ऑल सा मतलब सब था, बट वो तो सारा मैदे का और इसका रहता है, तो इसी वजह से वो मैंने नहीं लिया। और मुझे फिर ढोकला दिखा, मेरे ध्यान में आया कि अरे यार येल्लो तो ढोकला भी होता है और ढोकला तो थोड़ा हेल्दी में आता है, तो इसी वजह से फिर ढोकला ले लिया। और अभी मैं इसे फिनिश करती हूँ। गाइस, टाइम हो गया है मेरा इवनिंग स्नैक्स का, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ इवनिंग स्नैक्स। तो मोस्टली मैं इवनिंग स्नैक्स में आपको पता ही है कि हेल्दी चाट खाती हूँ या कभी सैंडविच खाती हूँ, बट आज मुझे येलो खाना है। तो स्प्राउट्स तो मैं खा नहीं सकती, तो मैंने क्या किया था कि चने की दाल जो है वो भिगो के रखी थी, तो आज मैं वही चाट जो है रिपीट करने वाली हूँ। चाट अलग होगी, स्प्राउट्स नहीं होंगे उसमें, चने की दाल होगी। और चने की दाल में जो टमाटो एंड प्याज वगैरह है तो वो मैं डाल के खाऊंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर ली है मैंने चने की दाल, ये मैं भिगो के रखी थी, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा प्याज और टोमेटो, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च, आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। सो गाइज, रेडी है मेरी चैट और अभी मैं इसे फिनिश करती हूँ। और हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज ये चैलेंज करते हुए, मतलब काफ़ी फनी लग रहा है ये। हर टाइम मतलब सोचना है कि क्या खाओ क्या खाओ, येलो फूड क्या मिलेगा मुझे खाने के लिए और हेल्दी क्या है। तो हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रही हूँ मैं सारी चीज़ों में और वो भी येलो चाहिए, तो काफ़ी फनी लग रहा है ये। तो मुझे सच में मज़ा आ रहा है ये चैलेंज करते हुए, तो अभी मैं इसे फिनिश करती हूँ। और अभी बचा है मेरा डिनर, तो डिनर के लिए भी सोचना पड़ेगा। हाँ, ये गिरने वाला था, तो डिनर के लिए भी अभी सोचना पड़ेगा। तो चलिए फिर अभी फिनिश करती हूँ और बाद में डिनर के बारे में सोचती हूँ। सो गाइज, मेरा डिनर रेडी हो गया है और आप चुप रही हैं अभी। सो डिनर में मैंने बनाया है अगेन हेल्दी ऑप्शन, तो डिनर में मैंने बनाया है ये ओट्स, और मैंने लिया है ये, हिचकी लग रही है इन्हें, एक पापड़, ये भी येलो कलर का ही है और आप देख सकते हैं ये भी ओट्स भी। तो अभी मैं इसे फिनिश करती हूँ और मेरा चैलेंज जो है वो कंप्लीट करती हूँ आज का। और आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको देखने में मज़ा भी आया हो। अगर आपको देखने में मज़ा आया हो तो आप बता देना मुझे, मतलब आगे मैं कौन सा चैलेंज करूँ, मतलब कौन से कलर फूड का चैलेंज करूँ। गरम है अभी। तो गाइस, डिनर के साथ मेरा ये चैलेंज कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो और मेरे जो एफर्ट है वो भी अच्छे लगे हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पसंद आए तो, और आप चाहो तो मुझे मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, मेकअप ट्यूटोरियल, हॉल वीडियोज़ एंड ब्यूटी रिलेटेड टिप्स की वीडियोज़ डालती हूँ, आप चाहो तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर श्रीकांत भी यहाँ पर श्रीकांत मेरे पीछे पीछे बोल रहा है जो मैं बोल रही हूँ वो, इसीलिए मुझे हंसी आ रही है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।